नमस्कार, आप देख रहे हैं नूपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। जल ही जीवन एवं जनता को शुद्ध जल देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह दावे कितने खोखले एवं झूठे साबित हो रहे हैं, इसका अंदाजा गस्सीपुर कस्बे से लगाया जा सकता है। जीवन को बचाने के लिए जल का बड़ा ही महत्व है। दूसरी तरफ गस्सीपुर कस्बे के जलदाय विभाग में बनी डिग्गियों की हालत दयनीय बनी हुई है। कस्बे की जनता के द्वारा हर बार इन डिग्गियों की साफ सफाई की मांग की जाती है, लेकिन दोनों ही सरकारों के द्वारा लोगों की मांग को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। यहाँ की जनता गंदा पानी पीने को मजबूर है, लेकिन जनता का दुख दर्द दोनों ही सरकारें ने सुनकर अपने ही कार्यों में अति व्यस्त नजर आ रही है। डिग्गियों की साफ सफाई एवं मरम्मत के लिए बजट दिया जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार लंबे समय से डिग्गियों की साफ सफाई नहीं हुई। आए दिन पार्टियों के कार्यकर्ताओं आवाज़ उठा रहे हैं, परंतु कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। वहीं जागरूक लोगों के द्वारा वीडियो बनाकर वायरल भी किए जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही सरकारें मुख दर्शक बनी हुई है। गस्सीपुर एवं आसपास के इलाके की जनता वीडियो देखने के बाद भी मटमेला गंदा एवं मांस युक्त पानी पीने को मजबूर है। गत दिनों नहरबंदी के दौरान डिग्गियों की साफ सफाई हो सकती थी, लेकिन न तो समाजसेवी संस्थाओं ने ही व्यापारिक संस्थाओं और न ही राजनीतिक लोगों के द्वारा इस तरफ ध्यान दिया गया। हर बार दोनों ही पार्टियां द्वारा गस्सीपुर के साथ अपेक्षित व्यवहार कर रही है। गस्सीपुर के जागरूक लोगों का आक्रोश फूट ही पड़ा। जल अभियान को लेकर जागरूक नागरिकों द्वारा बैठक की गई, जिसमें गस्सीपुर में पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए विचार किया गया। बैठक में गस्सीपुर में बस्तियों में पानी पहुँचाने के लिए 2 ओवरहेड टैंकियों का निर्माण करवाया जाए। पानी के स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए डिग्गियों का निर्माण किया जाए। जलदाय में पंप स्टेशन फिल्टर प्लांट का निर्माण किया जाए। इन मांगों को लेकर गस्सीपुर वाटर वर्क से जुड़े गांवों के प्रतिनिधियों, पालिका अध्यक्ष, पार्षदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक राजनीतिक संगठनों एवं जागरूक लोगों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस विकट समस्या पर विचार करने के लिए शनिवार 3 जुलाई को शाम 6:30 बजे व्यापार मंडल में बैठक का आयोजन किया जाएगा।